जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव्स एकेडमी। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग जो कि जुड़ी हुई हैं आपके फैमिली रिलेशन से। तो आप इस वीडियो में बने रहो और देखो ये सभी वर्ड्स कितने ज़्यादा यूजफुल हैं, इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नंबर वन है कस्टमर। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। और इसका एक एग्जांपल देखो, अरुण इज माय कस्टमर। अरुण इज माय कस्टमर। तो कस्टमर मीन्स क्या होता है? ग्राहक। जिसे आप क्या कहते हो? कस्टमर कहते हो। तो अरुण इज माय कस्टमर, विवेक इज माय कस्टमर, विनय इज माय कस्टमर, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। नेक्स्ट, लैंड लॉर्ड, जमींदार या फिर मकान मालिक। लैंड लॉर्ड मीन्स होता है जमींदार या फिर मकान मालिक। अब एग्जांपल सुनो, माय फादर वाज ए बिग लैंड लॉर्ड, या फिर माय फादर इज ए बिग लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड मीन्स होता है जमींदार या फिर मकान मालिक। नेक्स्ट, क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स होता है ग्राहक। क्लाइंट, सी एल आई ई एन टी, क्लाइंट मीन्स होता है ग्राहक। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल, माई क्लाइंट नेम इज कपिल। माई क्लाइंट नेम इज कपिल। तो क्लाइंट का मीनिंग होता है ग्राहक। नेक्स्ट, स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर मीन्स होता है सौतेली पुत्री। स्टेप डॉटर मीन्स होता है सौतेली पुत्री या फिर बेटी। एग्जाम्पल, सीमा इज माई स्टेप डॉटर। सीमा इज माई स्टेप डॉटर। तो स्टेप डॉटर मीन्स होता है सौतेली पुत्री या फिर सौतेली बेटी। नेक्स्ट, मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मीन्स होता है उपपत्नी। उपपत्नी, मिस्ट्रेस, एम आई एस टी आर ई डबल एस, मिस्ट्रेस मीन्स होता है उपपत्नी। एग्जाम्पल सुने, सी इज माई मिस्ट्रेस। सी इज माई मिस्ट्रेस। तो मिस्ट्रेस मीन्स होता है उपपत्नी। मिस्ट्रेस, उपपत्नी। नेक्स्ट, कीप मिस्ट्रेस। कीप मिस्ट्रेस, कीप मिस्ट्रेस मीन्स होता है रखेल। कीप मिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? रखेल। तो एक्स वाई जेड इज हिम, इज हिम कीप मिस्ट्रेस। एक्स वाई जेड इज हिम कीप मिस्ट्रेस इसका एग्जाम्पल है। बहुत ही अच्छा वर्ड है और यूजफुल है। तो कीप मिस्ट्रेस, एक्स वाई जेड इज माई कीप मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है ऑन। ऑन मीन्स होता है सगा। ऑन मीन्स क्या होता है? सगा। ये भी बहुत ही यूजफुल वर्ड है। तो देखो, ऑन, ओ डब्ल्यू एन, ऑन मीन्स होता है सगा। एग्जाम्पल, अनुराग इज माई ऑन ब्रदर। अनुराग इज माई ऑन ब्रदर। तो ऑन मीन्स क्या हो गया? सगा। नेक्स्ट वर्ड है पुपिल, जिसका मीनिंग होता है शिष्य। इसका एग्जाम्पल होता है माई पुपिल नेम इज विमल। माई पुपिल नेम इज विमल, पी यू पी आई एल, इसकी मीनिंग होती है शिष्य। पुपिल मीन्स क्या होता है? शिष्य। माई पुपिल नेम इज विमल। माई पुपिल नेम इज विमल। तो पुपिल मीन्स क्या होता है? शिष्य। नेक्स्ट, डिस्किपल। डी आई एस सी आई पी एल ई, डिस्किपल। डिस्किपल मीन्स होता है चेला। मोहन इज माई डिस्किपल। डिस्किपल मीन्स क्या होता है? चेला। मोहन इज माई डिस्किपल। तो डिस्किपल मीन्स होता है चेला। नेक्स्ट, मदर्स इल्डर्स सिस्टर हस्बैंड। मदर्स इल्डर सिस्टर हस्बैंड, यानी कि अंकल, इसका मीनिंग होता है मौसा। मदर इल्डर्स सिस्टर हस्बैंड का मीनिंग होता है मौसा। ही इज माई मदर इल्डर सिस्टर हस्बैंड, या फिर ही इज माई अंकल। ही इज माई अंकल। तो मदर इल्डर सिस्टर हस्बैंड का मीनिंग होता है मौसा। नेक्स्ट, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। स्टेप ब्रदर का मीनिंग होता है सौतेला भाई। एग्जाम्पल सुनो, ही इज माई स्टेप ब्रदर। ही इज माई स्टेप ब्रदर। तो स्टेप ब्रदर मीन्स होगा क्या? सौतेला भाई। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। नेक्स्ट, स्टेप सिस्टर। अब जैसे स्टेप ब्रदर वैसे ही स्टेप सिस्टर। तो स्टेप सिस्टर मीन्स क्या होगा? सौतेली बहन। सी इज माई स्टेप सिस्टर। सी इज माई स्टेप सिस्टर। तो स्टेप सिस्टर मीन्स क्या होता है? सौतेली बहन। स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। नेक्स्ट, स्टेप सन। स्टेप सन मीन्स क्या होगा? सौतेला पुत्र। तो स्टेप सन, स्टेप सन मीन्स होता है सौतेला पुत्र। रोहन इज माई स्टेप सन। रोहन इज माई स्टेप सन।
स्टेप सन मीन्स क्या होगा, सौतेला पुत्र, तो रोहन इज माई स्टेप सन। नेक्स्ट स्पोज, SPOUSE, स्पोज मिस होता है जीवन साथी, स्पोज मिस होता है जीवन साथी। एग्जाम्पल सुने, राधा इज माई स्पोज, राधा इज माई स्पोज। नेक्स्ट फादर सिस्टर्स सन या फिर कजिन, फादर सिस्टर्स सन या फिर कजिन, जिसका मीनिंग होता है फुफेरा भाई। फादर सिस्टर सन या फिर कजिन, कजिन जिसका मीनिंग क्या होगा, फुफेरा भाई। अशोक इज माई फादर सिस्टर सन, अशोक इज माई फादर सिस्टर सन, तो फादर सिस्टर सिन या फिर कजिन, फुफेरा भाई। नेक्स्ट हस्बैंड यंगर ब्रदर, हस्बैंड यंगर ब्रदर मीनिंग होगी देवर, हस्बैंड यंगर ब्रदर मीनिंग क्या होगी, देवर। एग्जाम्पल सुनो इसका, ही इज माई हस्बैंड यंगर ब्रदर, ही इज माई हस्बैंड यंगर ब्रदर। नेक्स्ट अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन का मीनिंग होता है गोद लिया हुआ पुत्र। अडॉप्टेड सन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनो, अडॉप्टेड सन का मीनिंग होता है गोद लिया हुआ पुत्र। ही इज माई अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन गोद लिया हुआ पुत्र, ही इज माई अडॉप्टेड सन। नेक्स्ट डॉटर हस्बैंड, डॉटर हस्बैंड इसका मीनिंग होता है दामाद या फिर जमाई। डॉटर हस्बैंड जिसका मीनिंग क्या होगा, दामाद या फिर जमाई। तो एग्जाम्पल सुनो, मनोज इज माई डॉटर हस्बैंड, मनोज इज माई डॉटर हस्बैंड। नेक्स्ट है ग्रैंड सन, GRANDSON, SON, ग्रैंड सन पोता, मीनिंग क्या होगी, पोता। ग्रैंड सन की मीनिंग होगी पोता। अरुण इज माई ग्रैंड सन, अरुण इज माई ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन का मीनिंग क्या होगा, पोता। अरुण इज माई ग्रैंड सन। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है नीस, NIECE, NIECE, नीस मिस होता है भांजा या फिर भांजी, नीस मिस होता है भांजा या फिर भांजी। तो ABC इज माई नीस, आप किसी का भी नाम डालो, ABCXYZ, राम मोहन, जो भी डालना है, तो ABC इज माई नीस, ABC इज माई नीस। तो नीस मिस क्या होता है, भांजा या फिर भांजी, नीस भांजा या फिर भांजी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।